Hello everyone, this is Sumit Kumar, and in this video I'm going to talk about some issues, some genuine issues related to studies and students ke jo common problems hote hain, jo unke kuch excuses hote hain, unke bare mein main thoda sa is sambandh mein is video mein baat karunga. But main start karun uske pehle main aapka bahut bahut dhanyawad dena chahta hu. Kal hi humne ek fast track classroom program ke bare mein video upload kiya tha aur usme aap log ka response bahut acha raha. बहुत सारे अच्छे बच्चों ने एडमिशन भी लिया, सो थैंक यू सो मच. और जो इंटरेस्टेड हैं वो और भी कर सकते हैं. मैं आता हूँ आज के सेशन में. देखिए, अभी जब से ये रिज़ल्ट आया है या जब से नेट का फॉर्म भरा रहा है या फिर गेट के भी जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, अधिकांशतः जितने बच्चों का मतलब जिसे बातचीत हो पाती है, या मैं जनरली जब नहीं बात कर पाता तो उन्हें बोलता हूँ कि मैसेज कीजिए, तो जितना भी मैसेजेस हमें मिले हैं उनका एक पैटर्न जो हमने देखा है, कॉमन जो है कि एक वो सिचुएशन जो उनकी है उस पर वो रोना रोते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, या मेरे साथ ऐसा था, या मेरे इकोनॉमिक कंडीशन ऐसे थी, या फैमिली प्रॉब्लम ऐसा था, या कुछ ऐसी रीज़न थी जिसके चलते मैं नहीं पढ़ पा रहा, या घर वाले अलाउ नहीं कर पा रहे. बहुत सारे फैक्टर्स वो ऐसा देते हैं कि कभी कभी मैं भी शॉक में हो जाता हूँ कि भाई एक इंसान के पास इतने प्रॉब्लम्स कैसे हो सकते हैं. प्रॉब्लम्स हैं बट इतने प्रॉब्लम्स कैसे हो सकते हैं. तो मतलब जो कॉमन चीज़ हमें लगा ना, वो लोग फाइट ही नहीं करना चाहते. दे डोंट वॉन्ट टू फाइट. उनको फाइट करने से डर लगता है. सबसे बड़ा चीज़ होता है कि वो फेस ऑफ नहीं करना चाहते. ऐसे लोगों को मैं एक कैटेगरी में डालता हूँ जिसका नाम होता है पलायन करना, है ना. वो भागते हैं, बस प्रॉब्लम दिखा नहीं भागते. वैसे बच्चे अगर हमारे पास भी आ जाते हैं पढ़ने के लिए तो उनको कोई प्रॉब्लम दो तो सॉल्व नहीं करते, वो भागने में लगे रहते हैं कि कैसे मैं भागूँ, कहाँ से मुझे सॉल्यूशन मिल जाए, कहाँ से कोई शॉर्टकट तरीके मिल जाए कर लूँ. शॉर्टकट से नहीं होता दोस्त. यू हैव टू सिट डाउन, यू हैव टू फाइट, राइट. कोई दूसरा तरीका नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है. शॉर्टकट से कुछ हद तक मिलेगा, चलो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ हेल्प भी मिल गई, उससे कुछ नहीं होने वाला लॉन्ग रन में, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है. तो थोड़ा सा एक डेवलप करो. इसके लिए मैंने एक थोड़ा सा जो परिस्थिति का जो आप रोते हो या फिर कोई जो इस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं उसके मैं उसका एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अभी बारिश की मौसम है, राइट. अभी बारिश हो रही होगी तो आप देखते होंगे कि हर जगह फसल नहीं उगती. फसल कहाँ उगती है, राइट. जहाँ पे वैसे खेतों में फसल उगती है जहाँ उस खेत को जोता जाता है, खाद डाला जाता है, बीज बोए जाते हैं और उसको उस तरीके से तैयार किया जाता है. तब जब बारिश की बूंदें वहाँ पड़ती हैं या जब बारिश घनघोर उस पर होती है तब वहाँ से आपके फसल उगते हैं. बारिश तो हमारे सर पे भी होती है, बारिश तो हमारे कार में भी होती है, बारिश तो हमारी छत पे भी होती है, वहाँ तो फसल नहीं उगते. तो रीज़न अब समझ में आया आपको क्या प्रॉब्लम है, करेक्ट है. आई होप अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया तो आई थिंक यू गॉट एवरीथिंग. प्रॉब्लम ये नहीं है, आप अपने आप को उस टाइप का तैयार नहीं करते मेंटली तरीके से. आपके अंदर अनंत सीमाएं हैं, अनंत टैलेंट है, बट आप उसको इग्नोर करते हो हर क्षण, हर सेकंड, हर समय. और थोड़ा सा अगर मेरे जैसा टीचर आपकी कमी को गिना दे या आपको डांट दे उस तरीके से तो आप उसको दुश्मन समझने लगते हो. ये बहुत गलत है. तो समझिए कोई टीचर आपको क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, ये चीज़ का नॉलेज होना आपके पास सही गलत का बहुत ज़रूरी है, करेक्ट है. सो इस संबंध में सोचिए और ज़्यादा परिस्थिति का रोना मत रोइए. ये सबके साथ कुछ ना कुछ कमियां हैं. दुनिया का कोई भी इंसान उठाएंगे, खुश कोई एंगल से नहीं कोई है. किसी के पास बहुत दौलत है तो कुछ इसी में प्रॉब्लम है कि उसको कहाँ पे छुपाए. किसी के पास नहीं है तो वो उसके लिए रो रहा है. तो थोड़ा सा आप सोचिए कि वेयर यू गे, कहाँ से आपको हैप्पीनेस मिलेगी. अगर आपको मैथमेटिक्स, तो मैं मैथ्स का इंसान हूँ तो मैं मैथ्स में ही बात करूँगा. इफ़ यू लव मैथमेटिक्स, अगर आपको मैथमेटिक्स करना पसंद है, वाई नॉट, यू कैन डू, यू कैन गो हैड इन दिस सब्जेक्ट एंड स्टार्ट इन्जॉइंग द लाइफ, राइट. उस चीज़ में मैं आपका भरपूर मदद कर सकता हूँ. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये जो भी आप नेट का एग्ज़ाम, NBHM का एग्ज़ाम, गेट का एग्ज़ाम या आगे IIT JEE का एग्ज़ाम, जो भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, आराम से उसको भरो. इस इंटेंशन से पढ़ो कि ठीक है यार, मैं इसके लिए जितनी मेहनत चाहिए मैं करूँगा, अपने तरफ से 100% दूंगा. रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा तो मेरे हाथ में नहीं है. मेहनत अगर अच्छी होगी हो जाएगा अच्छा, सिंपल सी बात है. उस मेहनत में अगर आपको उस चीज़ में मेहनत है और ये परिस्थितियाँ, ये फसल, ये पानी थोड़ा दिमाग में रखते हुए मिलना चाहते हो, डेफिनेटली कम मिल के मेहनत करते हैं, अच्छा करते हैं और कुछ ऐसा करते हैं ना आपको मज़ा आए. छोड़ दो पास फेल क्या होगा, अच्छा मेहनत करोगे डेफिनेटली पास होगे. डेफिनेटली इफ विल ट्राई डेफिनेटली इट विल हैपन. अगर आप नहीं ट्राई करोगे
कोई एंगल से कभी नहीं होगा, इसको लिख लो कहीं पे, ठीक है। और मुझे उम्मीद है आप करना चाहते हो, बस छोटी छोटी परेशानियों, सब क्या बोलूँ, फैमिली में ये है, पापा ये है, मम्मी, यार सबके साथ है, इससे थोड़ा बाहर निकलो एंड एंजॉय योर लाइफ विथ मैथमेटिक्स, ओके। तो मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द, ओके, 17 अक्टूबर से, और इंजॉय करते हैं मन लगा के मैथमेटिक्स में, और थोड़ा कान खुले करके आना, हो सकता है मेहनत ना करो तो बहुत डांट भी सुनने को मिले, ओके। तो मिलते हैं 17 अक्टूबर से, ओके, टिल देन थैंक यू सो मच।